एक और बड़ी अपडेट, वाराणसी से बीएचयू ने 5 रिसर्च स्कॉलर्स को निलंबित कर दिया है। जी, उमंग फार्मेसी से जुड़ी शिकायत पर ज्ञापन के दौरान अपशब्द बोले गए थे। बीएचयू ने 5 रिसर्च स्कॉलर्स को 14 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। बीएचयू प्रशासन की कार्रवाई से छात्र गुस्से में है। बड़ी खबर वाराणसी से, उमंग फार्मेसी से जुड़ी शिकायत पर ज्ञापन के दौरान अपशब्द बोले गए थे। आरोप है इन रिसर्च स्कॉलर्स पर और ऐसे 5 रिसर्च स्कॉलर्स को बीएचयू ने सस्पेंड कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से छात्रों में गुस्सा है। यह वाराणसी से बड़ी अपडेट, बीएचयू से बड़ी अपडेट, बीएचयू के 5 रिसर्च स्कॉलर्स को सस्पेंड किया गया है। अगली खबर कानपुर देहात से है। भाजपा के सांसद देवेंद्र सिंह भोले का विरोध वहां पर हुआ है। सांसद को देखकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। नेताओं और अधिकारियों को परिजनों ने घेर लिया। वहां पर सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने परिजनों को न्याय का आश्वासन दिया है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद बवाल बढ़ता ही जा रहा है। देखिए आप, सांसद देवेंद्र सिंह भोले पहुंचे हैं वहां पर सांत्वना देने के लिए परिजनों को, लेकिन उनका जबरदस्त विरोध हुआ है। वहां पर अधिकारियों का, पुलिस का भी वहां पर जबरदस्त विरोध। पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला बढ़ता जा रहा है। कानपुर देहात, बलवंत सिंह को जिस बेरहमी से जी जी पुलिस जनों ने मारा है जी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के जो जो इस घटना में साजिश में शामिल हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। शासन स्तर पर और मृतक परिवार के साथ में, बलवंत सिंह के साथ में, उनके पूरे परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। जैसे मुझे घटना का संज्ञान होता है, मैंने उस पर जो मुझे कॉन्ग्लिजेंस लेना चाहिए संवैधानिक तरीके से, वो कॉन्ग्लिजेंस लिया है और इसीलिए मैं उनके यहाँ चल करके आया हूँ, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं और किसी के साथ भी हमारी सरकार किसी को अधिकार नहीं देती। कानून को हाथ में लेकर के संवैधानिक तरीके से करना चाहिए। ये निंदनीय है, घृणित है और इस पर प्रभावी कार्रवाई हो। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में 20 सड़क पर धू धू करके ट्रक जला है और हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से ट्रक में आग लगने की खबर है। देवबंद में रेलवे की ओवरहेड वायर के संपर्क में आ गया ट्रक। कासिमपुर रेलवे फाटक के पास यह हादसा हुआ है। ट्रक चालक ने आनंद थाने में कूद कर जान बचाई है और फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें देखिए आप, एक्सक्लूसिव सहारनपुर से। ट्रक धू धू करके जल रहा है। देवबंद में रेलवे की ओवरहेड वायर के संपर्क में आने की वजह से यह हादसा हुआ है। अब बड़ी खबर हरदोई से। वहां पर नवीन फल मंडी के बाहर लखनऊ शाहजहां स्टेट हाईवे को फल व्यापारियों ने जाम करके जमकर प्रदर्शन किया है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर व्यापारियों को खदेड़ दिया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी फैल गई, कई व्यापारी गिर गए। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट की माने तो व्यापारी सड़क पर अव्यवस्था फैला रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क जाम करने वाले व्यापारियों की पहचान कर ली गई है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में घर में घुसकर मारपीट की खबर है। दबंगों की मारपीट का वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों ने घर में घुसकर लात घूंसों और डंडों से पीटा है लोगों को। मामूली सी कहा सुनी पर दबंगों ने परिवार को जमकर पीटा है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। लखनऊ के खगरा इलाके की घटना है। ये देखिए आप, एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। वैसे ये वीडियो वायरल है। घर में घुसकर दबंगों पर मारपीट का आरोप है। परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है, कैसे की है, कितने बुरी तरीके से पीटा है घर के लोगों को, ये आप बहुत साफ देख सकते हैं। लखनऊ राजधानी में ये हुआ है। दबंगों का कहर बरपा है इस परिवार के ऊपर। अगली बड़ी अपडेट कानपुर से है। केडीए ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया है। भू माफिया ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। माफिया ने अवैध कब्जा कर बेच डाली करोड़ों की जमीन। गुजैनी थाना इलाके के जरौली बिहारी पूर्वा में बुलडोजर चला है। तस्वीरें देखिए आप, एक्सक्लूसिव केडीए का एक्शन आप देख सकते हैं। कानपुर में अवैध निर्माण पर केडीए का बुलडोजर चला है।
भूमाफिया ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, उस पर अवैध निर्माण हो गया और उसके बाद कानपुर विकास प्राधिकरण ने इस तरीके से बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त किया है। इधर हरिद्वार में भी अतिक्रमण मुक्त अभियान चल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा ललतारा पुल से लेकर देवपुरा चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया। रेलवे स्टेशन बस अड्डा होने की वजह से इस इलाके में जाम लगा रहता था। यह हरिद्वार की तस्वीरें हैं। बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।